नमस्कार। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के एक अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर साबुन एवं अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। साबुन और अपमार्जक दोनों ही सफाई कारक पदार्थ होते हैं और मैल गंदगी को हटाने के लिए सफाई कारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा इनका प्रयोग लुब्रिकेंट्स के लिए ग्रीसेस के निर्माण में भी होता है। आज हम साबुन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। साबुन क्या होते हैं, उनका निर्माण कैसे किया जाता है और वे सफाई किस प्रकार से करते हैं, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, वो सारा विस्तार से हम आज पढ़ेंगे। साबुन को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उन्हें हम R-C-O-O-H से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां R एक अल्किल समूह होता है और COOH एसिड समूह होता है। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब अल्किल समूह से हो जाता है तो ये R C डबल बॉन्ड O O R डैश में बदल जाते हैं और ये नए बनने वाले यौगिक एस्टर कहलाते हैं। साबुन उच्च वसा अम्लों के, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, लेकिन इनका निर्माण तेलों से किया जाता है। फैट, वसा या तेल की रासायनिक अभिक्रिया कास्टिक सोडा से करवा करके साबुनों का निर्माण किया जाता है और जो तेल वसा होती है वे एस्टर होते हैं। तो तेल या वसा को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तेल है या वसा है, ये एक्चुअली ट्राई एस्टर है, तीन अणु एस्टर के, एक दो और तीन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम ट्राई एस्टर कहेंगे या ट्राई ग्लिसराइड कहेंगे। ये ट्राई एस्टर्स तेल या वसा होते हैं। साबुन के निर्माण में हम तेल का प्रयोग करते हैं या वसा का प्रयोग करते हैं और इसकी क्रिया जब कास्टिक सोडा यानी NaOH अथवा कास्टिक पोटाश KOH के साथ करवा दी जाती है तब साबुन का निर्माण होता है। यहां से यह हिस्सा टूटता है, R C O O और यहां से Na अथवा K, तो तीन अणु बनते हैं R C O O Na के या R C O O K। यह साबुन है, यह सोडियम साबुन है, यह पोटेशियम साबुन है। इसके अलावा CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल अलग हो जाता है, ये बाई प्रोडक्ट बनता है साबुन बनने की क्रिया में। तो यह साबुन है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये उच्च वसा अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 14 से 18 होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल C17H35COOH यह स्टीयरिक अम्ल है। तो स्टीयरिक अम्ल से जो साबुन बनेगा वह C17H35COO एने सोडियम स्टीयरेट कहलाएगा और यह साबुन होगा।
इसी तरह से C17H33 COOH पॉलिकम्ल है, तो इससे जो बनने वाला साबुन होगा C17H33COOK, ये पोटेशियम ऑलिएट कहलाएगा और यह भी एक साबुन है। इसी तरह से C15H31COOH यह पामिटिक अम्ल है। और इसका साबुन C15H31COONA सोडियम पामिटेट कहलाएगा और यह भी C15H31COONA यह भी साबुन है और यह सोडियम पामिटेट कहलाएगा। तो हमें जान चुके हैं कि साबुन किस तरह से तैयार किए जाते हैं। जब तेल या वसा को कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के साथ गर्म किया जाता है तब साबुन का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। सेपोनिफिकेशन, यदि बनने वाले साबुन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 18 से अधिक होती है तो ऐसा साबुन जल में कम घुलता है और इसलिए सफाई का कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। इसलिए 14 से 18 कार्बन परमाणु वाले जो उच्च वसा अम्ल हैं, इनसे निर्मित साबुन ही अच्छी गुणवत्ता के माने जाते हैं। आइए अब हम साबुन के निर्माण की विधियों को जाने, मैन्युफैक्चरिंग। साबुन के निर्माण में तीन विधियां प्रयोग में ली जा सकती है। ठंडी विधि, घरेलू स्तर पर बहुत कम मात्रा में यदि साबुन बनाना है ठंडी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के साबुन की गुणवत्ता बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री होती है वे गर्म विधि का प्रयोग कर साबुन का निर्माण करती है, जबकि लार्ज इंडस्ट्री बड़े स्केल पर जहां साबुन का उत्पादन होता है वे आधुनिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। हम आज यहां तीनों ही विधियों में किस प्रकार से साबुन का निर्माण किया जाता है वह देखेंगे और तुलना करेंगे कि तीनों विधियों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम जानते हैं ठंडी विधि के बारे में। यह सबसे साधारण विधि है। एक पात्र के अंदर तेल या वसा लेकर और जितनी मात्रा में तेल या वसा लिया है उसका 3/4 हिस्सा कास्टिक सोडा लगातार विलोडित करते रहते हैं। कास्टिक सोडा का हम जलीय विलयन बना लेते हैं और तेल और वसा में उसको विलोडित करते हुए लगातार मिलाते रहते हैं। सेपोनिफिकेशन की क्रिया, साबुनीकरण की रासायनिक क्रिया धीरे धीरे उसमें होने लग जाती है और इसको आकार देने के लिए उसमें कुछ पूरक पदार्थ, फिलर जिसे हम कहते हैं, ये एक तरह से निष्क्रिय पदार्थ होते हैं जो कि साबुन को आकार देने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं, जैसे खड़िया, बोरेक्स या चिकनी मिट्टी, इस तरह के पदार्थ जो सफेद पाउडर के रूप में होते हैं वो इसमें मिला दिए जाते हैं और अच्छी तरह से विलोडित करने के बाद कुछ घंटों के लिए, 5-6 घंटों के लिए इस मिश्रण को रख दिया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया अंदर चलती रहती है और सूखने के बाद यह मिश्रण जमने लगता है, थोड़ा सा कठोर हो जाता है, तब इन्हें सांचों में ढाल दिया जाता है और आकार दे दिया जाता है। इस प्रकार के साबुन में जो कास्टिक सोडा काम में लिया है और उसमें से कास्टिक सोडा का वह हिस्सा जिसने तेल या वसा से अभिक्रिया नहीं की है वह भी अंदर ही शेष रह जाता है। इसके अलावा साबुनीकरण की क्रिया में जो इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट बनता है ग्लिसरॉल, वो भी पृथक नहीं हो पाता है और इसलिए यह साबुन गुणवत्ता की दृष्टि से काफी निम्न श्रेणी का होता है। तो साबुन बनाने की गर्म विधि, साबुन बनाने की गर्म विधि की जो प्रक्रिया है वह तीन चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण किया जाता है, जिसमें एक बड़े टैंक में तेल, ये तेल है, लेकर उसमें
कास्टिक सोडे का जलीय विलयन, ये कास्टिक सोडा है, इसका जलीय विलयन अंदर डाला जाता है और इसे लगातार विलोडित किया जाता है। साथ ही इस टैंक में गर्म जलवाष्प स्टीम कुंडलियों में से प्रवाहित करवाई जाती है ताकि तेल और कास्टिक सोडा की रासायनिक अभिक्रिया जो कि इस प्रकार से अच्छी तरह से हो जाए, सेपोनिफिकेशन की क्रिया भली भांति हो जाए। हम देख रहे हैं ये तेल की क्रिया जब NaOH के साथ होती है तो इस प्रकार से साबुन का निर्माण होता है और ग्लिसरॉल बनता है। तो यह सारा काम एक बड़े टैंक में करवाया जाता है। दूसरे चरण में इस विलयन में से साबुन को अलग करना होता है। साबुन का पृथक्करण करने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं, NaCl का। NaCl को जब इसमें मिलाया जाता है तो यह सोडियम आयन विलयन में प्रदान करता है और सोडियम आयन की सांद्रता विलयन में बढ़ जाने के कारण साबुन इकट्ठा होकर ऊपर सतह पर आने लगता है। ये जो दिख रहा है ये साबुन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो साबुन है यह आयनित रूप में इस प्रकार से रहता है। NaCl यानी कि नमक इसमें डालने से विलयन में सोडियम आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। यह सोडियम आयनों की सांद्रता बढ़ जाने से यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें साम्यावस्था बाईं ओर शिफ्ट होती है और इस प्रकार से साबुन जो है उसका निर्माण होता है और वह साबुन हल्का होने के कारण ऊपर इकट्ठा होने लगता है। तो नीचे जो शेष पानी बचता है जिसके अंदर बहुत सारा पानी है, अनरिएक्टेड अल्कली है NaOH जिसने तेल से अभिक्रिया नहीं की है, इसी प्रकार से हमने जो नमक मिलाया है वो भी नीचे पानी में रह गया और इस सेपोनिफिकेशन की क्रिया में जो बाई प्रोडक्ट बनाए ग्लिसरॉल ये सब नीचे पानी में होता है जिसे कि स्पेंट लाई कहा जाता है और स्पेंट लाई के ऊपर साबुन फ्लोट करता है, तैरता है। यहां से स्पेंट लाई को नीचे से अलग कर लिया जाता है और इसमें से ग्लिसरॉल को पृथक कर लिया जाता है। ठंडी विधि में ग्लिसरॉल को पृथक करना संभव नहीं था, यहां पर ग्लिसरॉल को भी पृथक कर लिया जाता है। यहां से साबुन को पंप द्वारा इसी प्रकार के एक अन्य टैंक में लिया जाता है और वहां पर रेक्टिफिकेशन का काम किया जाता है। रेक्टिफिकेशन करने के लिए एक बार पुनः सेपोनिफिकेशन की प्रोसेस को रिपीट किया जाता है थोड़ा और NaOH मिलाकर कि यदि साबुन में कुछ तेल की मात्रा शेष बच गई है तो उसका भी साबुनीकरण भली प्रकार से हो जाए और उसके बाद साबुन को पंप की सहायता से एक गर्म जलवाष्प के जैकेट वाले बड़े टैंक में ले लिया जाता है जिसकी वॉल में स्टीम यानी गर्म जलवाष्प बहती रहती है और इस साबुन को इसमें डाल करके अच्छी तरह से विलोडक के साथ विलोडित किया जाता है। यहां पर इस टैंक में इसमें पूरक फिलर मिलाया जाता है, पूरक पदार्थ के रूप में खड़िया, खड़िया का पाउडर या फिर स्टार्च अथवा बोरेक्स, बोरेक्स पाउडर का प्रयोग भी फिलर के रूप में किया जाता है और यहां से जो साबुन अर्ध ठोस अवस्था में प्राप्त होता है उसमें फिर आगे जाके सुगंध और रंग मिलाकर के फिलर मिलाकर के अच्छी तरह से विलोडक से मिश्रित करके सांचों में जमने के लिए डाल दिया जाता है और इस प्रकार से साबुन का निर्माण कर लिया जाता है। तो ये गर्म विधि है। इस विधि में अच्छी बात यह है कि जो ग्लिसरॉल है उसे भी हम पृथक कर लेते हैं और बनने वाले साबुन की गुणवत्ता अच्छी होती है क्योंकि उसका हमने रेक्टिफिकेशन यानी परिष्करण जब किया था तब अच्छी तरह से एक बार वापस सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन करवा दी थी इसलिए उसमें अनभिकृत अल्कली की मात्रा कम ही रहती है। अब हम देखेंगे आधुनिक विधि, साबुन निर्माण की आधुनिक विधि किस प्रकार से गर्म विधि से अलग होती है। साबुन के निर्माण की आधुनिक विधि में तेल की रासायनिक अभिक्रिया सीधे ही कास्टिक सोडा के साथ नहीं करवाई जाती है बल्कि पहले तेल से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर लिए जाते हैं। ऐसा करने के लिए तेल का जल अपघटन करवाया जाता है। जल अपघटन करवाने के लिए
तेल को गर्म जल के साथ अभिकृत करवाया जाता है और उत्प्रेरक के रूप में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और यह एक टॉवर में अभिक्रिया करवाई जाती है। ऐसा करने से तेल का जब जल अपघटन हो जाता है तो आर सी ओ ओ एच ये उच्च वसा अम्लों की प्राप्ति हो जाती है। फ्री एसिड का उसके बाद कास्टिक सोडा के साथ सेपोनिफिकेशन करवा करके साबुन प्राप्त कर लिया जाता है। तो यह इस प्रकार की जो विधि है ये बहुत बड़े स्केल पर जब साबुन का निर्माण होता है आधुनिक मॉडर्न प्लांट्स में इस विधि से किया जाता है। साबुन बनने वाले साबुन की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। आइए अब हम ये जानें कि साबुन कितने प्रकार के होते हैं। COONA यानी सोडियम सोप, सोडियम सोप को हम हार्ड सोप कठोर साबुन कहते हैं और इसलिए इसका प्रयोग ज्यादातर धावन कार्यों के लिए, कपड़े धोने के लिए यथा या फर्श धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए किया जाता है। यह हार्ड सोप माना जाता है। यदि साबुन पोटेशियम लवण का, पोटेशियम का लवण है यानी कि आर सी ओ ओ के पोटेशियम का सॉल्ट है तो इसे हम सॉफ्ट सोप, मृदु साबुन कहते हैं और इसका उपयोग नहाने के लिए या शेविंग के सोप बनाने के लिए या शैंपू का बेस बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ये सॉफ्ट सोप कहलाते हैं। इसके अलावा यदि साबुन में रोगाणुनाशक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज डालनी हो तो साबुन के अंदर फिनॉल या क्रिसोल अथवा सैलिसिलिक अम्ल मिला दिया जाता है। इन पदार्थों की थोड़ी मात्रा साबुन के निर्माण के समय डाल देने से साबुन में जीवाणुरोधी गुण आ जाते हैं जिसे हम मार्केट में मिलता है एंटीसेप्टिक सोप कहते हैं। इसी प्रकार से अच्छे साबुन के अंदर TFM, TFM का अभिप्राय टोटल फैटी मैटर 75% से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा पारदर्शी साबुन बनाया जाता है और पारदर्शी साबुन बनाने के लिए इस प्रकार के जो साबुन होते हैं उसको इथाइल एल्कोहल में घोल करके और फिर उसको गर्म किया जाता है, एल्कोहल का वाष्पीकरण हो जाता है और पीछे जो साबुन बचता है वह पारदर्शी साबुन होता है। तो इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट साबुन का निर्माण भी किया जाता है। आइए अब हम जानें कि यह साबुन जो है वो सफाई का कार्य कैसे कर पाता है। जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो यह आर सी ओ ओ एन ए पानी में इस प्रकार से आर सी ओ ओ माइनस तथा एन ए प्लस आयन में विभक्त हो जाता है। साबुन को जब पानी में घोल दिया जाता है तो साबुन का जो जलीय विलयन होता है वह चिकना होता है और उससे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये जो अणु है इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं C17H35COO। इसमें आप देख रहे हैं कि यह एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है और ये वाला हिस्सा जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो साबुन के अणु को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये लंबी 17 कार्बन परमाणुओं की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। इसे पूंछ या टेल और इस हिस्से को हेड अर्थात सिर कहा जा सकता है। साबुन के अणु का यह हिस्सा हेड और यह पोर्शन टेल कहलाता है। यह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, कार्बनिक पदार्थ है और इसलिए अध्रुवीय प्रकृति की है, अध्रुवीय है। जबकि इस वाले हिस्से पर ऋणात्मक आवेश होने के कारण से यह ध्रुवीय हो गया है। जब किसी कपड़े या किसी सरफेस पर
कोई मैल गंदगी होता है तो बेसिकली वह ऑयल या किसी चिकनाई के अंदर डस्ट पार्टिकल के फंसने के कारण से होता है। जब इसको सोप सॉल्यूशन में अर्थात साबुन के विलयन में डाला जाता है तो साबुन के अणु अपने आप को इस तरह से इसके चारों तरफ अलाइन कर लेते हैं कि उसका जो टेल वाला पोर्शन है जो कि अध्रुवीय हिस्सा है जिसे हम हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रिपेलेंट, यानी कि जो जल से प्रतिकर्षित होता है क्योंकि इसकी स्वयं की प्रकृति अध्रुवीय है और तेल चिकनाई जो होते हैं वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो ये साबुन के अणु की जो बहुत सारे अणु होते हैं इनकी पूछ कहां चली जाती है? ऑयल के अंदर चली जाती है, क्योंकि सॉल्वेशन की एक थ्योरी होती है लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसी प्रकृति का उसी तरह के पदार्थ में वो घुलता है। तो जो पानी है, पानी ध्रुवीय विलायक है और ये हिस्सा जिसे हम हाइड्रोफिलिक पार्ट कह सकते हैं साबुन के अणु का, यह पानी की तरफ रहता है क्योंकि यह जो पानी है सोप सॉल्यूशन, इसमें जो पानी है यह ध्रुवीय विलायक है, जबकि यह जो मैल गंदगी चिकनाई है यह अध्रुवीय प्रकृति की है। तो इसके चारों तरफ साबुन के अणु उनकी जो पूंछ है टेल है वो तो मैल गंदगी में चली जाती है और उसके जो ये नेगेटिवली चार्ज ये वाले जो हेड हैं वो सब पानी की तरफ रहते हैं। अब ऐसे में साबुन का विलयन चिकना होने के कारण से सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है और ऐसे में जब थोड़ा सा भी हिलाया डुलाया जाता है, विलोडित किया जाता है इस तरह के पानी को, तो ये सारे अणु उस धागे से, कपड़े से या सरफेस से उस मैल गंदगी चिकनाई को लेकर पानी में चले जाते हैं और इस तरह से जो सरफेस वो क्लीन हो जाती है। तो इस प्रकार से साबुन जो है वह मैल या गंदगी को हटाने में सफल हो पाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साबुन जो है वह क्लीनिंग का काम कैसे करता है, साबुन के निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं और सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन क्या होती है। धन्यवाद।